हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, समर स्पेशल ट्रेन। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि आजकल की जो ट्रेन में सफ़र हो रहा है, काफ़ी यात्रियों को मशक्क़त करनी पड़ रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सीट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लोग बहुत दिक्कत परेशानी से ट्रेवल्स कर रहे हैं। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय रेलवे कुछ रूटों में कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा पुरी के बीच में चलाया जा रहा है, जिसका गाड़ी नंबर है 22895 हावड़ा पुरी। जैसे कि ये आपको हावड़ा से सुबह 6:10 में खुलती है और 12:35 में पुरी पहुंचा देती है। और सेम और आपको 22896 पुरी से हावड़ा के लिए है, जो कि 1:50 में पुरी से खुलती है और रात को 8:30 आपको हावड़ा में ड्रॉप कर देती है। ये गाड़ी आपको हफ्ता में 6 दिन सिर्फ थर्सडे को छोड़ के, ये गाड़ी खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जजपुर के और क्यूंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर एंड खुर्दा रोड से होते हुए पूरी जाती है। इस ट्रेन का बुकिंग 17/5/2023 से अलाउ कर दिया गया है। आप IRCTC का वेबसाइट से जाके आप इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उदयपुर सिटी से कामाख्या तक एक ट्रेन चलाई गई है जो वीकली ट्रेन है। ये आपको सिर्फ मंडे टू मंडे चलती है उदयपुर सिटी से। और IRCTC रेल कनेक्ट या IRCTC का वेबसाइट में आपको इस ट्रेन का नाम कवि गुरु एक्सप्रेस दिखेगा, जिसका ट्रेन नंबर 19615 होगा। ठीक है, इसमें आपका स्लीपर थर्ड एसी और सेकेंड एसी का क्लास होता है। ये ट्रेन उदयपुर सिटी से शाम को 6:05 में खुलती है, ठीक है, कामाख्या जाने के लिए उदयपुर सिटी से। और इस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस है 2622 किलोमीटर, ठीक है, और 43 स्टेशनों को पार करके ये गाड़ी कामाख्या स्टेशन पहुंचती है रात को 12:10 में। इस गाड़ी को वहां पहुंचने में कम से कम 4 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो आप IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप से या वेबसाइट से जाके इस ट्रेन में बुकिंग करवा सकते हैं। इसके बाद अब इसका रिटर्निंग आप देख लीजिए, कामाख्या से उदयपुर आने के लिए ये ट्रेन कौन सी दिन में, तो ये ट्रेन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये ट्रेन आपका थर्सडे के दिन में है, मतलब बृहस्पतिवार को। इसका गाड़ी संख्या 19616 है, जो कामाख्या से शाम को 6:30 में कामाख्या जंक्शन से खुलती है, ठीक है, और जो कि उदयपुर सिटी में रात को 12:25 में वहाँ पर ड्रॉप कर देती है। ये बृहस्पतिवार को वीकली ट्रेन है, ठीक है, अप एंड डाउन, उधर से मंडे को आती है और इधर से थर्सडे को जाती है, ठीक है। ये कामाख्या में आप देख पा रहे हैं कि शाम को 6:30 करीब में कामाख्या से ये गाड़ी खुल रही है, ठीक है, और ये कामाख्या के बाद से उदयपुर सिटी ये आपको 12:25 में पहुंचा दे रही है। सेम इधर से जाने में भी आपका 4 दिन का समय लग रहा है। और तीसरा ट्रेन आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद से दरभंगा के बीच में ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि इस रूट में बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ होता है। इस रूट में बहुत ज़्यादा पैसेंजरों को, यात्रियों को दिक्कत तकलीफ का सामना झेलना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस रूट में आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है 09421 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन, जो कि ये आपको लास्ट 26 जून तक ही चलेगा। ये अहमदाबाद से शाम को 4:10 में खुलती है, ठीक है, और 2:15 रात को, मतलब मिडनाइट, आपको 12 के बाद ये आपको दरभंगा पहुंचा देती है। इस गाड़ी की संख्या आप देख पा रहे 09421, ये आपको दरभंगा में देख लीजिए, आपको रात को 2:15 में पहुंचा देती है, मतलब लगभग इसमें 2-3 दिन का समय लग जाता है दरभंगा जाने में। ये भी आपका स्पेशल ट्रेन है, ये सिर्फ 26 जून तक ही चलेगा आपको, बस ये समर स्पेशल ट्रेन है इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दरभंगा से अहमदाबाद तक का देख लेते हैं। तो दरभंगा में आप देख पा रहे हैं इसका गाड़ी संख्या 09422, ये सुबह में 5:30 दरभंगा से खुलती है और शाम को 6:00 अहमदाबाद में पहुँचाती है, ठीक है। ये गाड़ी उधर से रिटर्निंग बुधवार को है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस गाड़ी को लास्ट 28 जून तक ही चलाया जा रहा है। 28 जून के बाद से ये गाड़ी नहीं चलेगी, 28 जून के बाद ये गाड़ी मतलब को रद्द कर दिया जाएगा। ये सिर्फ समर स्पेशल ट्रेन है। दरभंगा जंक्शन से ये गाड़ी सुबह 5:30 स्टार्ट होती है, ठीक है, और आपको ये सेकेंड डे अहमदाबाद में आपको शाम को 6:00 तक ड्रॉप कर देती है, ठीक है। तो ये रहा 3 स्पेशल ट्रेन। तो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।